और अब धौलपुर के निहालगंज से बड़ी खबर, जहां पुराने विवाद को लेकर रेडीमेड की दुकान पर फायरिंग की गई। दो बाइकों पर आए 4 से 5 युवकों ने 5 राउंड की फायरिंग की। दुकानदारों ने 2 युवकों को पकड़ा। दुकानदारों ने दोनों युवकों की पिटाई कर दी। घायल युवकों का जिला अस्पताल में इस समय इलाज चल रहा है। घटना को लेकर व्यापारियों ने संतर रोड जाम किया। सीओ सिटी सुरेश सांखला, निहालगंज पुलिस, कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, जहां निहालगंज थाना इलाके के रवि रेडीमेड दुकान की घटना बताई जा रही है। तो रेडीमेड की दुकान पर फायरिंग से जुड़ा हुआ ये मामला है, जहां पर 4 से 5 युवकों ने 5 राउंड फायर किए। आपको बता दें, घटना को लेकर व्यापारियों ने संतारा रोड को जाम कर दिया। दुकानदारों में रोष है, व्यापारियों में रोष है। इस घटना को लेकर सीओ सिटी सुरेश सांखला पहुंचे निहालगंज थाना इलाके के रवि रेडीमेड दुकान की घटना बताई जा रही है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, दोनों युवकों को पकड़कर लोगों ने जमकर इनकी पिटाई की। धौलपुर के निहालगंज से बड़ी खबर, जहां के दुकानदारों ने इन दोनों युवकों को पकड़ा। ये भी उस फायरिंग में शामिल थे। 4 से 5 लोग जो कि बाइक पर बैठ के आए थे, 5 राउंड फायर किए गए थे। उनमें से 2 युवकों को दुकानदार पकड़ने में कामयाब रहे और पकड़ते ही उनकी पिटाई कर दी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता संतोष राजपूत। संतोष, निहालगंज से बड़ी खबर आ रही है, जहां एक रेडीमेड की दुकान पर 5 राउंड फायर किए गए। फिलहाल क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर? कौन कौन लोग गिरफ्तार हुए हैं? कितनी गिरफ्तारियां हुई इस मामले में? ये आपको बता दें कि यह मामला निहालगंज थाना इलाके के संतर रोड का एक रेडीमेड दुकान का है, जहां पर से दुकानदारों और बदमाशों को पुराने बात को लेकर झगड़ा चल रहा था, जिसमें आज 2 बाइकों से 4-5 बदमाश आए थे। उन्होंने दुकान पर आते ही फायरिंग शुरू कर दी। करीब 4-5 राउंड फायरिंग किए, जिसके बाद दुकानदार वहां मौजूद थे। उन्होंने जिनमें से 2 युवकों को पकड़ लिया है। युवकों की जमकर धुनाई कर दी है। युवक गंभीर रूप से घायल हुए, उनको जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां पुलिस की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। व्यापारियों में घटना को देखकर आक्रोश है। व्यापारियों ने संतर रोड को बाजार को बंद करा दिया है, जिसके बाद में पूरे से निकलते हुए निहालगंज थाने में पहुंचे, जहां पर सीओ सिटी निहालगंज थाना पुलिस और कोतवाली पुलिस मौके पर, जो व्यापारी है उनसे समझाइश की जा रही है। जी, इस रेडीमेड की दुकान पर हमला क्यों किया था इन युवकों ने, उसके बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पाई है अभी संतोष? जी, आपको बता दें कि कुछ लोगों की माने तो कोई सोलार इलाके में गांव पड़ते हैं, जहां पर जो दुकानदार है उसकी पत्नी के साथ ये जो लोग थे जिन्होंने फायरिंग की है, उन्होंने छेड़छाड़ की थी, जिसके बाद दुकानदार ने कोलारी थाने में तहरीर दी थी। तहरीर के बाद में आज फिर वो दुकान पे फायरिंग करने उसके साथ मारपीट करने आ गए। जी ठीक है, और जो बाकी के जो 3 लोग अभी जिनका पता नहीं लग पाया, वो भी इस फायरिंग में शामिल थे, उनके बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पाई है अभी तक? जो मौके से लोगों ने, जो व्यापारी थे वहाँ 2 लोगों को पकड़ लिया है, जो अन्य 2-3 लोग थे वो मौके से फरार हो गए, जिसकी पुलिस तलाश करने में जुटी हुई है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संतोष इस तमाम जानकारी के लिए। तो रवि रेडीमेड दुकान का नाम बताया जा रहा है, जहां पर 5 राउंड फायर किए। 4 से 5 युवक जिन्होंने ये राउंड फायर किए थे, उनमें से 2 लोगों को दुकानदारों ने पकड़ लिया और जमकर उनकी पिटाई की। फिलहाल दोनों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।